बिग बॉस 16 की शुरुआत में बहुत से लोगों को नहीं पता था कि एमसी स्टैन है कौन। 19 हफ्तों के बाद एमसी स्टैन ने बिग बॉस की ट्रॉफी अपने नाम कर ली और देश भर के युवाओं का दिल जीत लिया। रैपर एमसी स्टैन के जीतने के बाद बहुत से रियलिटी शोज के मेकर्स भी अपने शो को चमकाने के लिए किसी रैपर की तलाश में जुटे हैं, जैसा कि लॉकअप का सीजन 2। इस शो के लिए देश के सबसे बड़े फेमस रैपर से कॉन्टैक्ट किया गया है। अगर आप रैप सुनने के शौकीन है तो आपने एमिवे बंटाई का नाम जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना तो हम आपको इनके बारे में बता देते हैं। ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि लॉकअप के सेकंड सीजन के लिए एमिवे बंटाई को अप्रोच किया गया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। लॉकअप के सीजन 2 के लिए देश के सबसे फेमस रैपर एमिवे बंटाई को कंगना के जेल में लाने की तैयारी की जा रही है। एमिवे बंटाई, जिनका असली नाम बिलाल शेख है, भारत के यूट्यूब के स्टार और फेमस रैपर। इनके बहुत सारे हार्ड बंटाई और कंपनी जैसे सॉन्ग काफी वायरल हुए। एमिवे बंटाई ने अपने करियर की शुरुआत साल 2013 में इंग्लिश रैप ग्लिंट लॉक से की। 2019 में एमिवे को बेस्ट एमटीवी यूरोप म्यूजिक अवार्ड से नवाजा गया। एमिवे बंटाई की सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। ऐसे में बताया जा रहा है कि फैंस के बीच बहुत ज्यादा खुशी है ये जानकर कि लॉकअप के सेकंड सीजन में एमिवे बंटाई को वो देखने वाले हैं। हालांकि अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि लॉकअप के सेकंड सीजन के लिए एमिवे बंटाई को अप्रोच किया गया है। आपको बता दें, बॉलीवुड में फिल्म गली बॉय से एमिवे बंटाई ने डेब्यू किया। एमसी स्टैन ने भी इन्हें अपने सॉन्ग में चैलेंज किया था। अभी कहना मुश्किल है कि एमिवे बंटाई लॉकअप 2 के लिए हाँ करेंगे या फिर नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो कंगना रनौत के अत्याचारी खेल में काफी रंग जमने वाला है। हालांकि शो के लिए बिग बॉस 16 के दूसरे कॉन्टेस्टेंट से भी कॉन्टैक्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि लॉकअप के सेकंड सीजन के लिए शिव ठाकरे, अर्चना गौतम, सौंदर्या शर्मा को भी अप्रोच किया गया है। अब बिग बॉस के घर में आपने अर्चना गौतम, सौंदर्या और शिव ठाकरे का दमदार खेल तो देखा ही। ऐसे में अगर ये तीनों लॉकअप के सेकंड सीजन में भी नजर आते हैं तो आप सोच सकते हैं कि शो का जो माहौल है वो कितना ज्यादा गर्म होगा। शिव ठाकरे को इस शो का विनर माना जा रहा था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर एमसी स्टैन ने बिग बॉस की ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया। शिव ठाकरे को लॉकअप 2 में लाने के लिए मेकर्स ने जी तोड़ मेहनत की है। शिव ठाकरे से इस बारे में बात भी की गई है और रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि शिव ठाकरे ने लॉकअप के सेकंड सीजन के लिए हामी भी भर दी है। अब ऐसे में अर्चना गौतम और सौंदर्या शर्मा का नाम भी फाइनल में सामने आ चुका है। बताया जा रहा है कि शिव ठाकरे, अर्चना गौतम और इसी के साथ सौंदर्या शर्मा ने लॉकअप के सेकंड सीजन के लिए हाँ कर दी है। वैसे अगर आपने नहीं देखा था फर्स्ट सीजन, तो आपको बता दें कि लॉकअप के फर्स्ट सीजन को काफी पसंद किया गया था। इस शो की ट्रॉफी उठाई थी मशहूर कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने और शो का जो फॉर्मेट था, शो के अंदर जो भी कुछ देखने को मिला, फैंस को वो काफी इंटरेस्टिंग लगा था। यही वजह है कि लॉकअप के सेकंड सीजन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि मशहूर रैपर एमिवे बंटाई को जो शो के लिए अप्रोच किया गया है और लॉकअप के सेकंड सीजन में क्या वो आ सकते हैं। इस पर जो भी आपकी राय है, जल्दी से हमारे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। अगर आपने फिल्मी बीट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।